गाइस अभी अपना डोमिनार रेडी हो चुका है एंड जाने के लिए रेडी। क्या बोलते हो ऋषि भाई, हो गया रेडी? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल जो हुआ वो एक तरीके से बोलेंगे कि अच्छा नहीं हुआ, आई एम रियली सैड अबाउट इट। एंड अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी बाइक के पास जाके उसको ठीक कर दूँ, क्योंकि ऐसा चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली अच्छा नहीं लगते रहेगा। बट ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना और हम लोग यहाँ पे स्टॉप नहीं ले सकते, तो हम लोगों को अभी यहाँ से रेडी होके नीचे जाना है। मैं बाहर गया था व्यू का शॉट लेने के लिए और वहाँ से ही आप लोगों को दिखाने के लिए कि पेंगोंग लेक कितना अच्छा और ब्यूटीफुल लगता है। बट चीज़ है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा विंड है कि कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप लोग। अगर रिकॉर्ड करोगे तो भी बहुत ज़्यादा विंडी नॉइस आएगा एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा सब विंडी नॉइस सुनो। सो इसीलिए आप लोगों के लिए कुछ व्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ से मतलब मैं तो उठ के रेडी हो चुका हूँ, सनी उठेगा, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे एंड अपना राइड कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड मैं ये बोलूँगा कि मेरे लिए दुआ करना और क्या। ऊपर से हम लोग को पेंगोंग से नीचे आने के लिए हमको ये फैमिली ने हेल्प किया, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। अभी हम लोग यहाँ पे नीचे पहुँच चुके हैं दुर्बुक विलेज में और यहाँ से अभी बाइक का इंतज़ाम करना है, उसको कैरी करना है ले तक। यहाँ पे मैं पहुँच गया था कुछ 9 बजे के आसपास, बट अभी चीज़ यह है कि सनी जब तक नहीं आता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे सनी के लिए। एंड ये वही जगह है जहाँ पे कल हम लोग रुके थे बाइक रिपेयर करने के लिए, तो फ़िलहाल तो मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ। और मैंने कॉल कर दिया टेम्पो वाले को, तो टेम्पो वाला ऐसा बोल रहा है कि उसका जो घर पर मैंने बाइक पार्क किया था वहाँ पर चला आ जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो कुछ एक दो जुगाड़ भी हम लोगों ने कल सोचे थे, ट्राई करेंगे पहले उधर जाके। सो इसीलिए मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये बेटर रहेगा कि कल वहाँ पे मैं और सनी वहाँ पे चले जाए और ट्राई करें। अगर स्टार्ट हो गया उस टेक्निक से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो फिर हमारा सब खर्चा बच जाएगा और हम लोग थोड़ा मनाली की ओर चले जाएंगे। अभी ऐसा है कि बाइक लोड करके लेके आया है, अगर आप लोग पीछे देखते रहोगे तो कुछ बांधा है ख़तरनाक तरीके से। होप सो बाइक पूरे रास्ते में गिरे नहीं। एंड हम लोगों को यहाँ से जाना है लेह। लेह जाने के लिए हम लोगों को लगेगा ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास। फिर लेह में जाके मैकेनिक को दिखाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। होप सो बाइक ठीक हो जाए, टेंशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बाइक का ख़राब नहीं होता है, कोई भी बाइक ये है, हर एक बाइक का ये टेस्ट है लेह लद्दाख। एंड अब तक काफ़ी अच्छे से चला, दैट्स रियली गुड। बट यहाँ पे कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से ये है। अभी वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था, वो छोटा मोटा या बड़ा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कल मैंने मैकेनिक को कॉल किया था तो वो तो बोल रहा था कि टोटल बॉडी का प्रॉब्लम है, अगर वो हुआ तो फिर यहाँ से सीधा मुझे बाइक पार्सल करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि छोटा मोटा ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार बस ये हो जाएगा फिर हम लोग इजीली निकल जाएंगे यहाँ से। अगर आप लोग इनके सीए रूट में आते हो और आपका बाइक बीच में बंद हो जाता है तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा इनका, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो आपका बाइक को टो कर देंगे, तो ये चीज़ बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा मेरी तरफ से ये हेल्प। ऑल सेट एंड रेडी टू लीव। हाय हाय, बस अभी ले पहुँच के सब ठीक हो जाए, हो जाएगा। That's it. आपको तो हो जाएगा पक्का। चलो बस आपकी दुआ बस। ये लोग
लोकेशन पे गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, कैसे कैसे करके उतारना पड़ रहा है सब। और देखो 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 गिरा रही यार, बच गया। ये लोकेशन जो है यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंस रही है और वो आ गया सनी, सेफली आ गया। चलो बीच में बस कोई रुके नहीं, कल मेरा गाड़ी यहीं पे चार पांच बार बंद हो गया था क्योंकि पीछे से गाड़ी आया डाल दिया। सनी आ गया। अभी हम लोग लेह में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी अनलोडिंग करना है। सेम अपने जो मैकेनिक है इनके पास आए हैं हम लोग यहाँ पे, ऋषि मैकेनिक। अभी देखते हैं ये कुछ चमत्कार कर दे, बस गाड़ी चालू हो जाए। अपना डोमिनार रेडी हो चुका है एंड जाने के लिए रेडी। क्या बोलते ऋषि भाई, हो गया रेडी? ऑल सेट एंड वी आर रेडी टू लीव। अभी पेट्रोल डालना है बट सोच रहे हैं कि करू से ही फिल करवा लेंगे, पूरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। एंड बाइक रेडी है तो अभी फाइनल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। एंड अभी मैं और सनी दोनों निकलते हैं। एफआई पंप का कुछ तो चालू होने के बावजूद भी प्रॉब्लम आ रहा है। यार एफआई का शायद से कुछ तो वार्निंग आ रहा है, आई डोंट नो कि ये चीज़ क्या है, बट बाइक अभी चल रहा है। लेट्स सी आगे चल के देखेंगे मनाली में। ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पहला मेन वही चीज़ है। चलो इस बार फाइनली बाय ले। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जाके करूँ में रुकेंगे, मुंबई पहुँचना है, वो सबसे बड़ा एक टास्क है। अगर पहुंच गए तो सब सही है, अगर नहीं पहुंचे मनाली तक सेफली तो फिर देखते हैं, फिर तो अपने पास लास्ट ऑप्शन वही बचेगा कि मनाली से बाइक को कुरियर कर देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ से मनाली तक का अगर मैं आपको बोलूँ तो 20 to 25,000 लोग बोलते हैं और ये सीज़न है उनके लिए। तो गाइस ये है करू का लास्ट पेट्रोल पंप और यहाँ से हम लोगों ने पेट्रोल भर लिया है तो कल सीधा बस अभी नीचे जाना पड़ेगा। बिल हुआ है 1783। सनी का टैंक ऑलरेडी फुल था। बस चीज़ ये था कि जो मेरा था वही फुल करना था क्योंकि आज पूरा टैंक को क्लीन किया गया। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में करू में, वहाँ पे रुकेंगे और फिर आगे का जर्नी कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। चले सनी। अभी हम लोग होटल पहुँच चुके हैं और ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर ही पार्किंग है। इसका नाम है इंडस ब्रीज और ये है करू में, सो दिस इज़ रियली गुड फॉर अस। अभी अंदर रूम में जाके देखते हैं कि रूम कितना अच्छा है, खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। सब चीज़ करके फाइनली मुझे एक चीज़ का ये डाउट है, क्या है ना बताया, ये देखो एफआई ना अभी ऑटोमेटिक बंद हो गया, दिख रहा, इसके पहले चालू था। एफआई बंद हो गया, वाओ वेरी गुड। हम लोग अभी आ चुके हैं होटल के अंदर जैसे आप लोगों ने देखा, एंड कल एंड आज का दिन
कैसे कैसे गुजरा ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। मेरे अलावा आप लोग शायद से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं कितना टेंस था एंड कितना ये था कि लाइक जब बाइक स्टार्ट हो जाए कितना टेंशन में था, बट बाइक स्टार्ट हो गया, सब चीज़ ठीक हो गया, बहुत ही सही रहा। एक छोटा सा प्रॉब्लम ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके पूरे ट्रिप को बर्बाद कर सकता है या फिर आपके ट्रिप का पूरा मज़ा किरकिरा कर सकता है। एंड एक तरीके से मुझे ऐसा लग भी रहा था कि लाइक लेह मुझे पकड़ के रखना चाहता है, मुझे जाने नहीं देना रहा था, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस 5 दिन से है लेह में, और लेह में पहुंचने के बाद एक्चुअली सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। इसके पहले तो ज़्यादा करके प्रॉब्लम था ही नहीं, सनी का तबीयत ख़राब हुआ वहाँ पर खारदुंगला में, फिर इसके बाद लाइक यहाँ पे मेरा बाइक का प्रॉब्लम हो गया तो बार बार हम लोगों को ले जाना पड़ रहा था। आई होप सो कि कल हम लोग मनाली के लिए डिसेंड करना स्टार्ट कर दे विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड फिंगर्स क्रॉस। सो गाइस दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि नेवर गिव अप एंड ऑलवेज ट्राई करते रहो अपना बेस्ट, जिससे सब चीज़ हो जाएगा। बाकी एक मैं टिप्स वाला वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से, जिसमें मैं आप लोगों के लिए सारा टिप्स दे दूंगा कि कहीं बीच में कुछ हो जाता है तो क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा मस्त टिप्स वाला वीडियो बनाने वाला हूँ। सो गाइस दैट्स इट एंड बाय बाय।